सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के फायदे के लिए हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के साझा मोर्चा ने ऐलान किया है कि 28-29 तारीख को हरियाणा रोडवेज का चक्का जाम होगा। अब इसमें आप लोगों का क्या फायदा है वो मैं आप सभी को बता दूं। हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने सरकार से कहा है कि हरियाणा रोडवेज का निजीकरण ना करे और सरकारी नौकरियां लेकर आए ताकि प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिल सके। अब अगर ये बात है तो आप लोगों को भी इन कर्मचारियों का जरूर साथ देना चाहिए और भी कर्मचारियों की कई सारी मांगे हैं, उनको भी देख लेते हैं एक बार। अब कर्मचारी सरकार से मांग कर रहे हैं कि हरियाणा रोडवेज का निजीकरण ना हो, हरियाणा रोडवेज में सरकारी बसों को लाया जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये भी बात कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा सही है और कर्मचारियों की ये भी मांग है कि पुरानी पेंशन की योजना को फिर से बहाल किया जाए। अब सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू क्यों नहीं कर रही है ये तो खैर सरकार ही जाने, लेकिन सरकार विधायकों की पेंशन बढ़ा रही है लेकिन कर्मचारियों की नहीं, तो ये भी खैर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि आखिरकार विधायकों के लिए तो पैसे हैं सरकार के पास लेकिन हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों के लिए नहीं हैं। और कर्मचारियों का ये भी कहना है कि लंबित पड़ी मांगों का निपटारा भी किया जाना जरूरी है। इसी के साथ कर्मचारियों का ये कहना है कि सरकार कर्मचारियों का शोषण करने में जुटी है और साझा मोर्चा ने एक बार फिर से सरकार से अपील की है कि निजीकरण को बंद करके हरियाणा रोडवेज में बसों की संख्या को फिर से बढ़ाया जाए और पहले किए गए सरकार द्वारा वायदों को पूरा किया जाए। कर्मचारियों के साझा मोर्चा के द्वारा हरियाणा रोडवेज गुड़गांव डिपो के मेन गेट पर डिपो प्रधान नितिन यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया है और जहां तक हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों की मांग है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सही लगी। और हरियाणा में बेरोजगार युवाओं के लिए अगर सरकारी भर्तियां आती हैं तो एक बहुत ही बड़ा कदम होगा। वहीं अगर सरकार हरियाणा रोडवेज का निजीकरण करेगी तो इससे बहुत सारे लोगों को नुकसान ही होगा। और मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अगर आप भी इस चक्का जाम में शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर हो सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि जो लोग 28-29 मार्च को यात्रा करने की सोच रहे हैं उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि हरियाणा रोडवेज के कर्मचारियों ने चक्का जाम करने का ऐलान किया है और अब ऐसे में ये देखना है कि 28-29 तारीख को सरकार कर्मचारियों की मांगें मानती है या फिर ऐसे ही ये सब चलता रहेगा। आप लोगों का इस वीडियो के ऊपर क्या कहना है आप जरूर कमेंट कर सकते हैं और अपने महत्वपूर्ण राय जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।